बैनर सीधा कर यार, फरवरी है। पहले पहले अपना नॉर्मल रेजोल्यूशन। मैं अखिलेश सक्सेना, वार्ड नंबर 19 प्रेसिडेंट, शिवसेना हिंदुस्तान। आज 14 तारीख वैलेंटाइन डे जो लोग कहते हैं, पश्चिमी देशों का ये जो है त्यौहार है, इसे शिवसेना हिंदुस्तान जो हमारी पार्टी है वो बिल्कुल नकारती है, क्योंकि समाज में अश्लीलता फैलाई जाने वाले ये जो है प्रोग्राम है, ये इसको हिंदुस्तान जो है बिल्कुल ही नकारता है। और हमारा यूथ लेवल के लिए स्पेशल ये हिदायत दी जाती है शिवसेना की तरफ से कि वह अपने भविष्य को पहले तो बात उज्जवल बनाएं, ना कि प्यार के इन चक्रों में पढ़ें। सबसे पहली बात वो अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। पूरी उम्र पढ़ी है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, और प्यार करना एक दिन का प्यार नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा शिवसेना की तरफ से स्पेशल हिदायत दी जाती है। अभी प्यार से समझा रहे हैं, फिर दूसरा तरीका भी आता है। प्यार करना है तो पूरी उम्र का करो, ये नहीं कि एक दिन का करो जिसमें लड़का भी परेशान, उसके पेरेंट्स भी परेशान और लड़की भी परेशान। तो इन हर साल ये करते हैं। हाँ जी, तो इसके आप मानते हैं इसका कुछ असर हुआ है? देखो जी, समाज में देखा जाए तो बहुत ही इस चीज़ का असर पड़ा हुआ है। अगर ऐसा ही ना हो तो हम लोग इसको मनाएं क्यों, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, हमने चाहे कोई इसको माने ना माने, हमने अपने समाज के लिए हमेशा संघर्ष करना है, करते रहना है। तो आपने दूसरे तरीके की बात की है, दूसरा तरीका क्या है आपका? दूसरा तरीका यही है कि उनके पेरेंट्स से बात करनी है, उनको समझाना है, और लड़ाई झगड़े से तो कोई काम और कोई हल नहीं निकलने वाला है। शिवसेना हिंदुस्तान जिंदाबाद। शिवसेना हिंदुस्तान। सही करो। क्या संदेश देना चाहेंगे जी वैलेंटाइन डे? देखो आज मरो जाने। अपना नाम बता दीजिए पहले। मैं शिवसेना हिंदुस्तान चंडीगढ़ प्रदेश प्रमुख अजय सिंह चौहान। आज जो शिवसेना के कार्यकर्ता नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए हैं, हमारा मकसद है जो वैलेंटाइन डे आज जो मनाया जा रहा है पूरे देश में, इसे बढ़ोतरी दी जा रही है। और हमारा एक संदेश है कि आप लोग जो बाहरी सभ्यता का त्यौहार है, विदेशी त्यौहार है, जो विदेश के जो लोग हैं वो इसे मतलब बढ़ावा दे रहे हैं कि जाके, जैसे हमारे भगत सिंह हैं, ठीक है, उनको लोग भूलते जा रहे हैं।
आपने देखा होगा कि भगत सिंह जिन्होंने कितनी कुर्बानी दी देश के लिए, उन्हें नया नई पीढ़ी भूलती जा रही है, उन्हें याद करने की लोड़ है, उनकी कुर्बानी को याद करने की हमें लोड़ है। अब एक तरफ एक हमारे घर में एक तरफ मातम हो, आज के दिन 14 फरवरी को लोग पता ही नहीं है कि 14 फरवरी है वैलेंटाइन डे है क्या, 14 फरवरी का सच ही नहीं पता उनको। हालांकि सच ये है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाले दिन फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। एक तरफ हमारे घर में मातम है, एक तरफ हम खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो ये गलत है। हमें शहीदों के लिए भी हमें संचेत रहना चाहिए, उनके उनके प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने हमारे देश के लिए कितनी कुर्बानी दी है, कितना जज्बा दिखाया, वो कुर्बान हुए हैं, उनसे उनके लिए हमें देश प्रेम होना चाहिए। जो भी आज के नई पीढ़ी है वो गुमराह की जा रही है, विदेशी जो ताकतें हैं उनको गुमराह कर रही है। और रही बात हमें प्यार प्यार पे हमें कोई वो नहीं है, पर पार्कों में आपने देखा होगा कि अश्लीलता फैलाने की कोशिश कर रही है, लड़के हुड़दंग मचाते हैं। आज शिवसेना की वजह से इतना दबदबा है हर एक जगह में, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी और गलत युवकों में भी, कि वो डर से मतलब ऐसे लोग उन पर शिकंजा कसा हुआ है शिवसेना ने कि भाई ना करे। हमें प्यार से कोई गुनाह नहीं है, प्यार तो सब करो, रोज करो, सभी से करो, देशभक्त देश प्रेमी से करो जो इन्होंने कुर्बानी दी है। जैसे आज हमारी शहीद भगत सिंह की रैली है यहाँ पे नेहरू पार्क से शांतिपूर्ण जाएगी, तो इसके लिए हमें संदेश जाना देना चाहते हैं नई पीढ़ियों को कि वो जागरूक हों शहीदों के लिए और शहीदों के प्रति कुछ अपनी जो उन्होंने कुर्बानी दी है उन्हें याद रखें, उन्हें भूले मत। भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह जिंदाबाद। वैलेंटाइन डे जिंदाबाद। वैलेंटाइन डे।